नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और फिलहाल मैं पंजाब की राजनीति की बात करती हूं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी पंजाब और दूसरे राज्यों में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी कर चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। यूपी और उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज चल रहे हैं कि पंजाब में सीएम की गाड़ी रोकना कांग्रेस की साजिश थी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक अब अपना राजनीतिक रंग दिखाने लगी है। किनारे पर खड़ी भाजपा को यह मुद्दा खुद के लिए काफी फायदे का सौदा नजर आ रहा है। साथ ही दूसरी पार्टियां श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी भी सुरक्षा चूक के मामले को अपने लिए अच्छा मान रही है। सुरक्षा चूक के मामले में जांच करने वाली टीम को ऐड करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। वजह, इस केस में बहुत सारे तथ्य पहले से मौजूद हैं। अगर जांच टीम पंजाब पुलिस पर सवाल खड़ा करती है तो विधानसभा चुनाव में सीएम चन्नी और कांग्रेस की पार्टी का गणित जो है वो बिगड़ सकता है। एक और बात, केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया था उसने अभी तक जितने भी सबूत जुटाए हैं उसमें पंजाब पुलिस के डीजीपी सहित कई शीर्ष अफसर रडार पे हैं। हालांकि उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे केंद्र और पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए गठित अपनी कमेटी का कामकाज रोक दिया है। चुनाव का माहौल है तो मामले का राजनीतिकरण भी होना था। अकाली दल जिसने भाजपा से गठबंधन तोड़कर बसपा के साथ चलने का निर्णय लिया था, अब वह भी इस मामले से खुश है। ड्रग मामले में फंसे अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि पीएम सुरक्षा में जानबूझ करके चूक की गई है। अब पीएम मोदी को रोकने की साजिश सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दफ्तर में रची गई थी। इससे पंजाब पुलिस में वहां के जो टॉप ऑफिसर हैं वो सब शामिल थे और अकाली दल को ये उम्मीद है कि इस मामले में पंजाब के देहात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा, उनका फायदा अकाली दल को मिल सकता है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी पंजाब और दूसरे राज्यों में इस मुद्दे को पेश कराने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। यूपी और उत्तराखंड में सोशल मीडिया पे काफी सारा ऐसा कैंपेन चल रहा है, मैसेज चल रहे हैं कि पंजाब में सीएम की गाड़ी रोकना कांग्रेस सरकार की एक साजिश थी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी को चुनावी सर्वे में बढ़त मिल रही है, उन्होंने भी पीएम की सुरक्षा चूक के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पे जब केजरीवाल गए थे तो उन्होंने अपने मूल एजेंडे के साथ पीएम सुरक्षा चक्र पे जो बात हुई है उसका भी जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी और अकाली दल आपस में मिले हुए हैं, विक्रम मजीठिया खुलेआम घूमते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इतने वर्षों से बादल परिवार और कांग्रेस ये दोनों मिलकर के पंजाब को लूट रहे हैं, इस बार भी सिलसिला बंद हो जाएगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान वैदी कांड, बम ब्लास्ट, प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। अब की बार पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है, ये केजरीवाल ने कहा। और अगर राजनीतिक जानकारों की माने, एक्सपर्टीज की माने, तो पंजाब में पीएम सुरक्षा चूक मामले का असर अब दिखने लगा है। सोशल मीडिया पे एक दिशा दी जा रही है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। हालांकि ये मुद्दा उतना प्रभावी नहीं है कि इसे भारी कोई उलटफेर हो जाए, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जो मतदाता इस निर्णय को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें 2 दलों में किसे वोट देना है, ये उनके सामने एक प्रश्न हो सकता है। अगर 2 दलों के बीच कांटे की टक्कर हो तो उस स्थिति में ऐसा मुद्दा बाजी पलट सकता है। ईवीएम का बटन दबाने से पहले जांच रिपोर्ट के आधार पर पंजाब पुलिस के अफसर सस्पेंड होते हैं तो विपक्षी दल इसका बड़ा फायदा उठाएंगे। इस मामले का अधिक फायदा आपको मिल सकता है। वजह, लोगों ने पंजाब में अभी तक कांग्रेस और अकाली दल का शासन ही देखा है। इस बार केजरीवाल की पार्टी दोनों दलों को कड़ी टक्कर दे रही है और मुख्यमंत्री चन्नी पर कोई दाग नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में चल रही आपसी खींचतान और पीएम सुरक्षा चूक मामला उन्हें डैमेज कर सकता है।
आनंदपुर साहिब के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पे हमला बोला हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि पंजाब को एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास चुनौतियां हों, चुनौतियों का समाधान हो, जो कड़े फैसले ले सके और अच्छे फैसले ले सके, अच्छे कदम उठा सके। तिवारी ने पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर के भी चन्नी सरकार को अड़े हाथों लिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेर का ये कहते हैं कि जहां पर पीएम की गाड़ी फंसी थी, ये क्षेत्र तो बीएसएफ के बीएसएफ से 50 किलोमीटर के दायरे में आता है। पंजाब पुलिस के पास तो 30 किलोमीटर का एरिया ही बसता है। हमने तो 2 जनवरी को सूचित कर दिया था कि वहां प्रदर्शन या हिंसा की संभावना है, चुनाव के दौरान अप्रिय घटना की संभावना है। और अगर राजकुमार वेर का की बात को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि बीएसएफ क्या कर रही थी, वह क्षेत्र तो इनके कंट्रोल में था, पुलिस स्टेशन भी बीएसएफ के कंट्रोल में है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का इसमें ये कहना है कि चुनाव में वोटर कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की जनता को परियोजनाओं का तोहफा देना चाहते थे, इन परियोजनाओं से कई दूसरे राज्यों को भी लाभ होना था, जानबूझ करके प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी पार्टी को इस चूक का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पंजाब की खबर। कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो कोरोना और ओमिक्रॉन आप पे अटैक करने के लिए इंतजार कर रहा है। आप कोरोना के प्रोटोकॉल का फॉलो करें, उसका जो उसके नियम है उनको जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।